बेसिकली इट्स डांस बैले है गंगा के ऊपर, मैंने बनाई थी काफ़ी दो साल पहले, जब सुषमा स्वराज जी ने, उनका इनिशिएटिव था कि शी वांटेड दिस प्रोग्राम इन बनारस, वो चाह रही थी, तो उनके लिए मैं विद इन सिक्स मंथ्स वी प्रिपेयर द होल बैले, हमने उसको प्रेजेंट किया। उसमें गंगा के ऊपर पहले से ये काफ़ी बातें चलती थी कि गंगा की साफ नहीं है ना, सफाई करनी ज़रूरी है। अभी थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार आई, मोदी जी इतना इंटरेस्ट लेते हैं स्वच्छता में, तो उसमें काफ़ी स्वच्छता अभी शुरू हो गई है, काफ़ी हो रहा है। लेकिन जब मैं बना रही थी तो बहुत हालत ख़राब था, तो उसके ऊपर मैंने एक ब्यूटीफुल एक बैले बनाया जिसके ज़रिए स्वच्छता का पूरा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ये देव नदी है गंगा, स्पेशली शी इज़ कमिंग फ्रॉम द हेवंस, तो वो इतने तीनों लोगों से आकर शी कम्स टू द अर्थ फॉर द बेनिफिट फॉर द पीपल, ह्यूमैनिटी के लिए आई, और कितना उसने, वाटर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड देन शी इज़ फ्लोइंग ऑल ओवर आवर कंट्री, जहाँ जहाँ गंगा बहती है वहाँ से बहुत इट्स फ्लरिशिंग एंड ब्यूटिफुल इट इज़। ऐसे एक नदी को साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये कॉन्सेप्ट ये है, तो इसके ज़रिए पूरा हमने जब जैसा बनाना शुरू किया तो पता चला कि इट्स गॉट सो मच ऑफ सो मैनी थिंग्स टू से, यू नो, बिकॉज शी इज स्टिल फ्लोइंग, सो मैनी डेकेड्स हैव पास्ड, सो मैनी युगाज हैव पास्ड, सो लाइक सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड टुडे कली युग इज गोइंग ऑन, सो शी इज देयर एंड शी इज गिविंग बेनिफिट टू एवरीबडी, सबका पाप विमोचन करती जा रही है, और हमारा फर्ज है कि उसको कैसा साफ सुथरा रखना। नॉट ओनली गंगा, मैं बोलूँगी कि पूरा देश में जितने भी नदियाँ बहती है उसका साफ रखना हमारा फर्ज है। तो यही अभियान था हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, कि महाराष्ट्र में जो 75 नदियाँ बह रही है उसका स्वच्छता के लिए ये लोग बहुत काम कर रहे हैं। तो जब तो उनको लगा कि ये गंगा ये इस प्रोजेक्ट के लिए करेक्ट सही होगा प्रेजेंट करने के लिए, सो आई एम वेरी ग्लैड दैट हमारे कल्चर मिनिस्टर सुधीर मुंगतिवार वो आगे आए, तो और ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मैम, ये महाराष्ट्र की 72 रिवर्स हैं या आगे इसको आप कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि नाम गंगा है तो गंगा की सफाई का अभियान? यस, आई हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड दिस बैले इन नागपुर, पूना, दिल्ली हो चुका है, बॉम्बे में पहली बार हो रहा है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट वांटेड इट बिकॉज फॉर दिस अभियान जो चल रहा है, रिवर अभियान, रिवर को साफ रखना है करके, सो इट इज अवेयरनेस टू ऑल द पीपल, नो, दे हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू कीप द वाटर, तो एंड द मिनिस्ट्री हैज कम फॉरवर्ड एंड काफ़ी लोग इसमें मिलजुल कर ये काम हो रहा है। अभी और कितने ऐसे शोज या रेगुलर चलते रहेंगे सफाई आगे? हाँ जी, आगे सफाई जिसको चाहिए तो दे शुड आस्क फॉर गंगा टू कम, तो गंगा विल कम, गंगा हम लोग परफॉर्म करेंगे, उसमें से पूरा मैसेज जाता है लोगों के लिए। मैम, एक चीज़ और है कि हमारे ही शहर में एक मीठी नदी है, जैसे जो मुंबई जब डूबी थी, बाढ़ जब आई थी, तो उसका पूरा जिम्मेदार उसी नदी को ठहराया गया था। सरकारें बदली हैं कई बार इसमें, लेकिन उस नदी की साफ सफाई पर खास तौर से ध्यान होना चाहिए। क्या आपकी सरकार के साथ ऐसी ये है कि यार कौन कौन सी? डेफिनेटली, अभी हमारी सरकार है तो हमारे महाराष्ट्र के जितने भी मिनिस्ट्री में है वो लोग बहुत ही इसमें इंटरेस्ट लेकर मीठी रिवर को भी साफ करने का कोशिश कर रहे हैं। ओनली थिंग, इसमें अगर एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए ना, अगर एनक्रोच करके वहाँ घर वर बना लिया तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक दम आउट एंड देन वी हैव टू टेल द पीपल, जनता को बोलना चाहिए कि ये रिवर है भाई, इसको फ्लो करने दो, इसको आप लोग अड़चन मत डालो। तो साफ सफाई के साथ साथ इसका ब्यूटिफिकेशन पर भी नजर? नेचुरली ऑटोमेटिकली। मैम, डांस की अगर बात करें तो जो आपका जो ट्रेडिशनल डांस की जो आपकी पहचान है वगैरह की, उसी से जुड़े हुए सारे प्रोग्राम्स हैं? हाँ जी, देखिए अभी मैंने बहुत सारे मेथोलॉजिकल थीम्स के ऊपर बैले किया है जो पूरे देश विदेश में बहुत पॉपुलर है, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर जो है वो पूरा एक दो घंटे के डांस के कार्यक्रम के जरिए सब निकल आता है, एंड देन आई एम प्लेइंग द मेन लीड ऑफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट दुर्गा, महालक्ष्मी, राधा कृष्ण, सावित्री और एनी कैरेक्टर यू टेक फ्रॉम द मैथोलॉजी, सो सब लोग हम लोग करते हैं उसमें, सीता है, रामायण करते हैं तो सीता का, उसमें क्लासिकल
शास्त्रीय नृत्य का भाग बहुत जरूर रहता है उसमें, लेकिन ये गंगा जो बैले है इट इज़ अ रिवर फ्लोइंग, सो यू कैन नॉट डू ए वेरी वेरी हाईली क्लासिकल डांस, बट यू कैन हैव सी अ वेरी फ्री स्टाइल ऑफ ब्यूटिफुल डांस इन दिस। मैं जब आपका डांस देखता हूँ, खासतौर से आपके साथ जब आपकी बेटियां होती हैं, तो बड़ा एंजॉय करता हूँ। हाँ, बेटियों की जो यस, दैट इज वेरी गुड। बिल्कुल। हाँ, तो इस सफर में हैं आपके साथ इस अभी जो गंगा कर रही है इसमें नहीं है, आगे गंगा में वो अभी पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि अभी बच्चे लोग छोटे हैं। माय आई हैव ग्रैंड चिल्ड्रन, दे आर वेरी स्मॉल, सो वंस दे लिटिल बिट ग्रो बिग एंड एशा इज कम्फर्टेबल, आहना इज कम्फर्टेबल, देन बोथ ऑफ देम विल पार्टिसिपेट इन ऑल माय फर्दर बैलेंस। एक और चीज़ बेटी का जिक्र आया तो याद आ गया, एशा भी कमबैक कर रही है, उनका भी देखिए इत्तेफाक से इंटरव्यू करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा, आज भी उनका हंटर का वो प्रमो के लिए गए हैं। जी बिल्कुल। मैम ऑस्कर जीता है। हाँ जी, से भारत में आया और दो दो इस बार आए हैं, किस तरह आप मुझे तो इतनी हैरानी भी हो रही है और बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे हमारे देश में ऐसा एक पिक्चर बनी, बिकॉज RR बिकेम वेरी पॉपुलर। मैंने भी देखी पिक्चर, द वे द टू बॉयज द टू हीरोज दे डांस्ड इन दैट मूवी वर सिंपली एक्सलेंट, इट वॉज आई मीन देखने लायक भी था ज़रूर। तो मुझे बहुत ही आई कंग्रेचुलेट बोथ द आर्टिस्ट एंड द होल एंटायर टीम ऑफ RRR जो हमारे देश का मान बढ़ाया है, तो इसके लिए बहुत ही बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ दोनों को और सारे पूरे टीम को। ये कुछ आया इसमें से कुछ देख के बोलना है क्या? देख लीजिए आप जी। और एलिफेंट विस्परर्स को भी, या एलिफेंट विस्परर्स का भी अवार्ड डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है, वो भी बहुत ही शानदार है और हमें बहुत ही खुशी होती है कि यंग टैलेंटेड बॉयज दे हैव वर्कड हार्ड and he is from Whistlingwood, I heard, so I congratulate him also for winning this award. मैं चाहूँगी कि हमारे देश से और भी आगे बहुत सारे पिक्चर ऐसे अच्छे अच्छे बने कि ऑस्कर में भी सब लोग देख कर दंग रह जाएँ और अवार्ड देने पर मजबूर हो जाएँ। एक और सवाल मैम, अभी चूँकि आप खुद सांसद हैं तो एक राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल। हाँ जी। कि अभी एक इतना हंगामा चल रहा है राहुल गांधी जी के बयान को लेकर जो उन्होंने कैम्ब्रिज वगैरह में दिया है, संसद में भी हमने देखा इतना हंगामा हुआ, माफ़ी मांगो राहुल गांधी, वहीं विपक्ष का भी ये दावा है कि मोदी जी भी यही किया करते थे, इसी तरह से कहा करते थे कि शर्म आती है देश में पैदा होने का, आप इसे किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल गलत है, हमारे देश का नाम इतना ऊँचा लेकर जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, इतना मेहनत करते हैं, इतना नाम बनाया है, विदेश में कहीं भी जाओ तो आज भारत का नाम इतना ऊपर सब लोग बहुत पसंद करते हैं, तो ऐसे एक इस वक्त राहुल गांधी जी को लंदन में जाकर कुछ अशब्द कुछ ऐसा कुछ कहना अच्छा नहीं लगता है। आई मीन वॉट एवर इट इज़ दे कैन सॉर्ट इट आउट इन द पार्लियामेंट, नॉट गोइंग आउट स्टेशन एंड विदेश में जाकर हमारे देश के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। दो दो ऑस्कर मिले हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, दो दो ऑस्कर हमें मिली है हमारे हिंदुस्तान में, उन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने काम इतना मेहनत किया और इतना अच्छा ब्यूटीफुल फिल्म्स बनाए हैं, RR और एलिफेंट विस्पर्स, उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ फॉर द एंटायर टीम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।